बोड़े में, और उस बोड़े में सही बोड़े में खाने का सामग्री है, कुछ में चावल है, कुछ में दाल है, कुछ में आलू है, और वो तमाम चीज जो अभी लॉकडाउन में लोगों को दिक्कत हो रहा है खास करके खाने के लिए, जो तमाम लोग हैं जो अपने घरों में कैद हो चुके हैं, जिनका रोजी रोटी था उनका रोजी रोटी ठप हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रभात, मैं आपके साथ प्रेमराज। फिलहाल जिस तरीके से देख रहे हैं आप जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन बढ़ता ही दिख रहा है। पहले लॉकडाउन वन आया, उसके बाद टू, और अब थ्री, लॉकडाउन तीसरा है जिसमें 14 दिनों के लिए रखा गया। तमाम लोग हैं उनको फिर से कहा गया कि आप लॉकडाउन थ्री को पालन करिए और 14 दिन के लिए अपने घरों में बंद रहिए। पर खाने का दिक्कत है जो लगातार लोगों को सता रहा। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तमाम पैकेट है, पैकेट पैक हो रहा है, और वो पैकेट इसलिए पैक हो रहा है जो तमाम जो रिक्शा चालक थे, ठेला चालक थे, और जो गरीब लोग थे उनके लिए पैकेट ये पैक हो रहा है। आप देख सकते हैं जो तमाम पैकेट है, पैकेट में चावल है और चावल के साथ सब्जी दिया जा रहा है। फिलहाल अभी हम देख पा रहे हैं कि चावल के साथ सब्जी पैक हो रहा, पर इन लोगों का दावा है कि इन लोग पर डे कई लोगों को खाना खिलाते हैं। तो इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे, जो यहाँ के कार्यकर्ता है उनका पहले से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू सिंह है। तो सर, ये आप हमको ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि आप लोग कई दिनों से खाना खिला रहे हैं, कितने दिनों से, कब आप स्टार्ट किए? लगभग हमको 25 दिन हो गया आज हम लोगों का। 25 दिन। तो क्या जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाती है, लॉकडाउन वन आया, टू, थ्री, हो सके तो इसके आगे भी बढ़ सकता है क्या? आगे भी आप लोग जुटे रहिए। नहीं, हम लोग तो सब भाई यही सोचे हैं कि आगे तक जब तक रहेगा हम लोग करते रहेंगे। अच्छा, तो खाने में क्या क्या देते हैं पर डे, अगर एक ही चीज़ या बदल बदल? नहीं, बदल बदल, कभी किसी दिन पूरी सब्जी देते हैं, अगर चावल देते हैं तो सब्जी हर दिन अलग अलग रहता है, किसी दिन मिक्स भेज देते हैं, किसी दिन कटहल आलू देते हैं, आज आलू चना और सोयाबीन है। एक और जहाँ पॉलिटिकल पार्टी या विपक्ष के लोग भी चुप बैठे हैं, तो यहाँ पे आप खाने परोस रहे हैं लोगों को, भूखे लोग को खाना खिला रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? देखिए, हम लोगों कोई पॉलिटिकल पार्टी से या किसी से मतलब नहीं है। हम लोग अपना सब दोस्त मिलकर देखें कि गरीब लोग को जो बिना खाए हुए सो जा रहा है लॉकडाउन में, तो यही सोच के हम लोग आपस में चालू किए सब आदमी मिलकर, और सोचे कि हम लोग का मकसद यह है कि बस गरीब को खाना खिलाना, जिसको खाना नहीं मिल रहा है। जो लोग अपना काम करके किसी तरह खा लेता है उसको हम लोग नहीं देते हैं, जो लोग मजबूर है जिसको ये है उसको देते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रात में भी दिक्कत है खाने का, तो उसको हम लोग अपने यहाँ से राशन भी देते हैं जिसमें चावल देते हैं, आटा देते हैं, आलू देते हैं, प्याज देते हैं, तेल देते हैं। तो आप ये बताइए कि जो तमाम लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो आखिर ये फंड जमा कहाँ से हो? फंड हम लोग आपस में ही इकट्ठा पॉकेट मनी से करते हैं, सब जो मेरे भाई लोग हैं सब लोग मिल के आपस में देते हैं, और कुछ अभी बड़े बड़े लोग भी एक आध गो जो मेरे सीनियर उनियर हैं, भैया हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो लोग भी दे रहे हैं अपने आप से। तो क्या सर, जो आपका टीम है इसको किस नाम दिया, कोई नाम दिया या फिर तमाम लोग जुड़ गए हैं? मेरे सभी छोटे भाई बड़े भाई मिलके इसका नाम जन सेवा दिए हैं। जन सेवा, तो बिल्कुल देख सकते हैं जो जन सेवा नाम है, काम नाम से ही लग रहा है जन सेवा, और जन की सेवा करने के लिए ये तमाम लोग खाना पैक कर रहे हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाना के लिए दिक्कत हो रहा है, खाना नहीं पहुँच पा रहा है, उन लोगों के कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई भूखा ना सोए, और जो लॉकडाउन है लॉकडाउन का मर्यादा भी ना टूटे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ पर भारत। धन्यवाद।